इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। प्रभु भाइयों से प्रेम करते, मित्रों से प्रेम करते हैं, आनंद वृष्टि होती है सरजू जी में, क्या कहना। नर 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 भगवान सरजू जी के तट पे आ गए और खेलने लगे सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। रघुनंदन बबुआ सरजू के तीर आज
परमात्मा भाइयों और मित्रों के साथ खेल कूद करते हुए थोड़े और बड़े हुए गुरुकुल से पढ़कर श्री अवधराज प्रसाद में पधारे। सिद्धाश्रम बक्सर में ऋषिवर महामुनि विश्वामित्र जी का आश्रम। विश्वामित्र जी एक दिन ध्यान में बैठे, उन्होंने देखा प्रभु का अवतार हो गया। तब मुनिवर मन कीन्ह विचारा प्रभु अवतर हरन मही ऋषिवर विश्वामित्र जी विचार करते हैं भगवान ने अवतार श्री अवध में ले लिया। ये हमारे यज्ञ को असुर लोग विध्वंस करते हैं, बार बार चलें उनको लाएं और यज्ञ की पूर्णाहुति कराएं। बहुत भांति मनोरथ करते श्री अवध पधारे। महाराज चक्रवर्ती जी ने उनका बड़ा सुंदर स्वागत सम्मान किया, भोजन प्रसाद करवाया, वंदन करवाया, विश्राम लिए और संध्या वेला में राजसभा में सरकार पधारे। चक्रवर्ती जी हाथ जोड़कर पूजनोपरांत बोले, प्रभु आपने ऐसी कृपा कभी नहीं करी, कही कारण आगमन तुम्हारा कहू सुकरतन लाऊब बारा। कहिए आप इसलिए आए हैं, मैं उसमें विलंब नहीं करूंगा, तत्क्षण पूरा करूंगा। गुरु विश्वामित्र जी अवसर पाकर बोले, राजन असुर लोग हमको सताते हैं, हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। असुर समोह सता वही मोही मैं जांचन आयो अनुज समेत देव रघुना निश्चर बध मैं देव भूपमन हर्षिता तजहु मोहय धर्म सुजस प्रभु तुम इन कहयति देह भूप मन हर्षित। राजन हर्षित माने प्रसन्न मन से दीजिए। क्यों आदमी लेता तो प्रसन्न मन से है, देता प्रसन्न मन से नहीं। कुछ भी लेता मुस्कुरा के है, देता मुंह गिरा के। जिस भाव से लेते हैं उस भाव से जिसकी वस्तु है वही देना संभव नहीं। आप प्रयोग कर सकते हैं, किसी को अपनी गाड़ी की चाबी दे दीजिए, मोटरसाइकिल की, ले बेटा कई दिन से कह रहे थे चला के आओ, कितना खुश हो जाएगा जब उससे वापस मांगिए। देखिए अभी ले गया तो बड़ा प्रसन्न था। लेते हैं प्रसन्न मन से, देते समय चेहरे पे उतर जाता है। सुनि राजा यति प्रिय बानी हृदय कंप मुकद्युति को मिला। महाराज की मुख की द्युति को मिलाई गई। क्यों? अप्रिय बानी सुनकर। अप्रिय क्या है? अनुज समेत देव रघुनाथा। मांगना सरल है हो, देना सरल नहीं। और जिसके देने का भाव है वो जीव धन्य है। अभी कोई मैया बलिया से आई है, श्रीमती पार्वती पांडे, वेद प्रकाश पांडे, रामार्चा मंदिरम के लिए उन्होंने कोई सेवा दी है। कोई गाजीपुर से भी बहन जी आई है, क्या राय है, कोई आई है क्या? मिस्टर दिनेश राय,
कथा के बाद हम विद्यालय में बैठेंगे 10 मिनट। जो लोग बाहर से आए हों वो विद्यालय पधारें, जो मिल चुके हैं वो कदापि नहीं आएंगे। एक ही बार मिला करिए, बार 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 भगवान से मिला करिए, हमसे एक ही बार मिला करिए। घर जाइए बहुत देर हो जाएगी, है ना। जो नए लोग आए हों दूर से, कृपा करके पधारे, आपके साथ 10 मिनट बैठेंगे। तो अब देखिए, मांगना सुन करके झुराए गए महाराज, कुम्हिलाए गए। कह रहे थे कहु सो करतन लाऊ बबारा, कहिए आप जो कहेंगे उसको करने में एक पल का देर नहीं करूंगा। अब मांग दिए राम लक्ष्मण जी के तो मुंह कुम्हिलाए गए। क्या अब प्रिय वाणी, देना सरल नहीं है साहब। जो दे रहा है वो पुण्यशाली है। जिसका भी देने का मन करता है वो पुण्यशाली है। अयोध्या में जो मंदिर बन रहा है श्री रामार्चन मंदिर, टेलीफोन कर करके पूरे देश से, तो क्या विदेश से भी लोग पैसा भेजते हैं ठाकुर जी के लिए। वो भाग्यशाली है जो लोग कह के देते हैं, हम मंदिर के लिए दे रहे हैं, हाँ दो सेवा काम हो ही रहा है, दो बढ़ने दो। वो कितने पुण्यशाली है। घर ही में आप घर ही में कभी से मांग लो, देखो सुबह से शाम हो जाएगी, लोग देते नहीं। घर में वाले का नहीं देते, क्योंकि देने के लिए भी शक्ति पुण्य के बल से आती है, ऐसे नहीं आती है। रहता है तब उन लोग रामलीला में देते ना, यज्ञ में देते। हाँ, ये समझते हैं कि हमारी तो अदाव चला जा रहा है, यहाँ देने का क्या फल है, कोई फल नहीं है। घर में लगाने का फल है, ये जीव की चेतना है। लेकिन जिसकी चेतना पुण्यशाली है वो समझता है परमार्थ ही हमारा अपना कार्य है। घर वालों का तो जो है सो हो गया, परमार्थ सबको नहीं साधता भैया, परमार्थ उसको साधता है जो पुण्यशाली जीव होता है। आप कहेंगे फिर चक्रवर्ती जी महाराज क्या? नहीं नहीं, चक्रवर्ती जी का जीव प्रेम नहीं है, चक्रवर्ती जी का राम प्रेम है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।